हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी यूनिवर्स। उम्मीद है आप सब तंदुरुस्त होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए, वो है कुछ स्पेशली फॉर मेल्स के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि हमेशा मैं फीमेल्स के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आती हूँ, वैसी वीडियोज लेके आती हूँ मेकअप की या कुछ और, तो क्यों ना कुछ मेल्स के लिए भी किया जाए। क्यों मेरे कुछ हमारे हैं जो मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्योंकि आज उनके लिए भी कुछ स्पेशल किया जाए, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है ना, वो हर जो लड़का है ना वो उसे मुस्टैचेस रखने का बहुत ज्यादा मतलब कि क्रेज हो रहा है। इवन स्मार्ट भी लगते हैं, इवन मेरा हस्बैंड खुद भी जो है, मेरे हस्बैंड वो भी रखते हैं, तो मुझे काफी अच्छी लगती है। तो क्यों ना आज हम बात करें अपनी मुस्टैचेस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, ये दिखने में की तो सुंदर लगती हैं बट इनको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि इजी नहीं होता हर लड़के को। मतलब अगर वो मुस्टैचेस रख रहा है ना, तो उसे क्या होता है 20-25 दिनों के बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए हर बार जाना होता है पार्लर में, सैलून में जाना पड़ता है, वहां पे उसको करवाना पड़ता है। तो क्यों ना हम घर पे अगर वो कर ले, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ घर पे आपके लिए जो आप मुस्टैचेस को मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए मेरे पास है। सबसे पहले ये एक मुल्तानी मिट्टी वाला पैक है, मुल्तानी मिट्टी हम इसमें यूज करेंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो बहुत ही इजी है, सिंपल है करना, इसे बहुत ज्यादा कोई ट्रिकी नहीं है, आप घर पे आराम से इसे कर सकते हैं। तो अब आपको बार बार सैलून जाकर अपने मुस्टैचेस के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही आराम से जब आपको टाइम मिलता है आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास स्पेशल जो है वो तो विल्सन का ये सुपर हेयर वैक्सिंग लोशन है, इसको हम मुल्तानी मिट्टी के साथ बनाएंगे। बहुत ही सिंपल पैक है गाइज, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, ये एक लोशन है, ये देखिए पिंक कलर का ये लोशन होगा, और साथ में एक पाउच भी है ये वाला, कोल्ड वेव न्यूट्रलाइजर लिखा हुआ है इसके ऊपर, हेयर परमानेंट का ही, पर इसे हम यूज नहीं करेंगे, हम ओनली 2 प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, दिस वन और दिस वन। और मुल्तानी मिट्टी और इस लोशन की वजह मदद से हम अपनी जो मुस्टैचेस हैं उसको परमानेंटली कैसे आप उसको कर सकते हैं, कर्व मेल करना चाहते हैं, तो मैं आज उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं अपने हस्बैंड के ऊपर ये करके देख रही हूँ, उन्होंने खुद अप्लाई किया है, तो आपको सो दैट ज्यादा इजी पता लगेगा कि उसका रिजल्ट फाइनली क्या आएगा। ये सब देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो बीच बीच में मैं जो आपको टिप्स देती जाऊंगी आप वो अच्छे से उसे सुनना, और मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, और मेरे चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। और ये है हमारे वही 2 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं, और इसके अलावा हम ज़्यादा कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने ये पिंक वाला लोशन यूज़ करना है, इसमें केमिकल होता है, और साथ में हमने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। और हाँ गाइस, इसको भी, इस पैक को बनाने के लिए आप कोई भी यूटेंसिल यूज़ कर सकते हो, कांच का या स्टील का, बट हाँ प्लास्टिक का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये केमिकल है, तो हम नहीं चाहते कि हम प्लास्टिक यूज़ करें। तो हमने लिया है एक चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी हमने लिया है, और इसको हम ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत क्योंकि मुस्टैचेस के लिए ये इनफ है, तो हमने 1 टीस्पून ही ये डाला है अपना लोशन। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी और ज़रूरत है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इट्स इनफ। और हम इसको और मिक्स करने के लिए थोड़ा सा जस्ट लिटिल बिट लेंगे वाटर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मैंने देखिए ज़्यादा नहीं लिया है, बहुत लिटिल बिट लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसकी जो क्वांटिटी बनेगी ना आपकी मुस्टैचेस के लिए इनफ होगी, और बस इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई बबल्स ना रह जाए, कोई भी गांठ ना हो, तो ये इसे अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाएगा हमारा। देखने में लग रहा है कि बहुत कम है, बट इसे लगाने के बाद पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, इट्स इनफ फॉर आर मुस्टैचेस। तो देखिए हमारा जो पैक है वो अच्छे से मुझे लग रहा है तैयार हो गया है, तो मेरे हस्बैंड ने अभी मुस्टैचेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। इसको हम फिंगर की हेल्प से अपनी मुस्टैचेस पे लगाएंगे। ये थोड़ा सा गाइस इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये केमिकल है, तो आपकी आंखों में जलन भी हो सकती है, हो सकता है आपको थोड़ा सा इससे आंखों में पानी भी आए, बट इट्स ओके। तो हम इसे अच्छे से अपने 1 साइड पहले मुस्टैचेस पे अप्लाई कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम सेकेंड तरफ कर रहे हैं, अच्छे से अप्लाई करेंगे। और गाइस जब इसको अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपके पास अगर बारीक वाला जो कंघा होता है ना, कॉम बोल दें जिसको, तो उसको उसकी हेल्प से ना अपने हेयर को अच्छी तरह से कॉम करना, सो डैट जो पैक है ना वो आपके हर बालों के अंदर तक अच्छी तरह से जाए, क्योंकि जितना अच्छे से अप्लाई होगा तभी ये सभी बालों पर इफेक्ट करेगा और आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देगा। तो मेरे हस्बैंड ने जिसको अच्छे से लगाया, और देखिए लगाते हुए आपके फेस पे या स्किन पे लग सकता है, बट इट्स ओके, कोई भी ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा।
और अभी आप उसे जिस शेप में भी उसे अपनी मुस्टैचेस को रखना चाहते हैं आप वो शेप उसमें कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट करना चाहते हो तो स्ट्रेट कर लीजिए, मेरे हस्बैंड ने कर्व में करना है तो वो कर्व में कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे वो ऊपर की तरफ उसे कर्व कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। और हमने हर बाल को अच्छे से लगाना है पैक और उसको अपनी मुस्टैच और एक साथ ही सभी बालों को लेकर आपने शेप देनी है, आपने अगर कर्व देना है या नीचे की तरफ करना है जो भी देना चाहते हो, बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेन कॉन्सेंट्रेट है ना वो इसी टाइम आपने करना है सारा, और बहुत अच्छे से उसको अपने पैक को अपनी मुस्टैचेस पे लगाना है। तो जब वो लग जाएगा आप कॉम के साथ तो उसको एक्स्ट्रा निकाल के और आपकी ऊँछों के जो हर बाल है ना उसके अंदर की तरफ पूरा पैक लगा लेना कॉम की हेल्प से, हाथ की हेल्प से, बस उसे अच्छे से आप कर लो। अब देखिए मेरे जो हस्बैंड है उसका तो उनका लग चुका है, तो ऑलमोस्ट अभी उनके कर्व भी हो चुके हैं, तो अभी हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसे पानी के साथ वॉश करेंगे, और ये ड्राई होने में मैक्सिमम हमारा आधा घंटा भी ले सकता है, पौना घंटा भी ले सकता है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन टाइम। अगर आप जल्दी ड्राई करना चाहते हो तो आप उसे ड्राई की हेल्प से भी ड्राई कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो वो आप पे है कि आप कितना टाइम उसे दे रहे हैं। नेचुरली ड्राई करोगे तो देखिए मेरे हस्बैंड की जो मुस्टैचेस है वो अच्छे से ड्राई होंगे, बहुत हार्ड हो गया ड्राई होके। अभी इन्होंने वॉश कर लिया है अपनी मुस्टैचेस को और अच्छे तरह से पैक को साफ कर लिया है, हम इसे ड्रायर की हेल्प से वो ड्राई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसकी शेप कैसी है। ये देखिए फाइनल लुक मेरे हस्बैंड की मुस्टैचेस का, नाइस। तो गाइज आपने देखा कि जो मेरे हस्बैंड की मुस्टैचेस है वो कितने ज्यादा अच्छे से एकदम से कर्व आ गया है। तो आपकी वो खुद की मर्जी, आप उसे जैसे भी उसे करना चाहते हो, उसे कर्व में रखना चाहते हो, स्ट्रेट करना चाहते हो, नीचे को बैंड करना चाहते हो, जिस स्टाइल में भी आप उसे करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा मेरे हस्बैंड का, और ये रिजल्ट जो है ना आपका मतलब 15 से 20 दिन के लिए आराम से निकल जाता है। तो इतने दिन आपके बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, उसके बाद आपको फिर से करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना, रिप्लाई कीजिए। और कुछ और अगर आपको चाहिए किसी के रिगार्डिंग, आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे वो सजेशन देना। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारे बॉयज होते हैं जिनको ये क्रेज है, जिन तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है, प्लीज आप उन सबको शेयर कीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। इनके जो परचेजिंग लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आप कहाँ से परचेज करो। और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है गाइज, ये सिर्फ मुझे जो प्रोडक्ट मिला है वो अराउंड 200 बिलो ही मिला है, और साथ में मुल्तानी मिट्टी मुझे 40 रुपीज की पड़ी, मतलब मेरा टोटल जो कॉस्ट आई है ना वो 200 ही समझ लीजिए आप, इतनी आई है। अगर आप सैलून में जाते हो तो वहां पे आप एक टाइम आप 200 या उससे भी ज्यादा पे करना पड़ता है, पर घर पे अगर आप 200 में इतनी कितनी बार ये होगा मुझे नहीं अभी आइडिया, बहुत ज्यादा कर सकते आई थिंक 20-25 बार तो मुझे लगता हो ही जाएगा। तो ये बहुत 20-25 अगर मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो 10 बार तो होगा ही ना, तो एटलीस्ट अगर आप घर पे करो तो अगर मार्केट का अराउंड लगाएं 2000 रुपए, ओ माय गॉड, तो बहुत बड़ी कॉस्ट है जो आप पे करते हो। अगर आप घर पे करते हो ओनली 200, तो 10 गुना आपको सस्ता काम करने को बता रही हूं मैं। तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय बाय, लव यू।